नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए तरोताजा व्लॉग में। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आज है संडे, संडे को हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह विजिट करने के लिए जो कि हमारे फ्यूचर प्लानिंग के तहत काम आएगी। तो चलिए, अपनी गाड़ी है, हिमांशु भाई वीडियो बना रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, सब लोग चलेंगे, तो गाड़ी को निकाल देते हैं। चल दिए हैं को हम लोग कहाँ चल रहे हैं? संडे को भाई जा रहे हैं हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र। संडे को फंडे नहीं करते हैं, कुछ सीखने के लिए चलते हैं। कुछ नेचर से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे वहाँ पे, खेती बाड़ी बागवानी से रिलेटेड, और इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग बहुत जो है अलग तरीके से हेड कर रहे हैं आगे। हम लोगों को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे चलना है, अपने पेड़ पौधे लगा के ऑक्सीजन का खुद ही घर पर निर्माण करना पड़ेगा अब, और अच्छे फल फूल मिले उसके लिए हम लोग चल रहे हैं वहाँ से ज्ञान लेके, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे, और हम लोग अपने घरों में खेतों में इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना खुशदीप? हिमांशु भाई, आप एक्साइटेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु भाई इन सब चीज़ों में बहुत जो है जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हैं, बस वहाँ पे चल के थोड़ा और ज्ञान में इजाफा करना है। आज हमारे छोटे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, अब ऐसे रखा करेंगे ना। हिमांशु भाई थोड़े बाल इधर के गायब हो गए, वैसे जिनके बाल नहीं होते बता किस्मती लोग होते हैं। तो अभी हम लोग लखनऊ से बस बाहर निकल रहे हैं, उन्नाव चल रहे हैं, उन्नाव में KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र, वहीं चल। ये देखिए फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लाइट जल रही है, रिफ्यूल का लिख के आ चुका है। ये भाई रास्ता है दुबग्गा की तरफ जाने वाला बिटौली से, और यहाँ पहले कूड़े के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे इधर, और अब उसको पार्क में जो है तब्दील कर दिया गया है, और एक बढ़िया बाईपास टाइप में एक रोड बन गया। इधर सब कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे, और ये देखिए कितना अच्छा बना दिया है। कूड़ा किए क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। विनोद पेट्रोल डलवा रहे हैं, 25 पता नहीं, पिछले दोनों पहियों हमारे हवा निकल जाती, समझ में नहीं आता क्या है। पूरी नहीं निकलेगी, हल्की निकलेगी, मुझे लग रहा है इसमें कहीं छोटी सी पंचर है, वही दिक्कत कर रही है। अब कितनी हो गई, लीड बहुत कम है। तो अभी गाड़ी खड़ी कर दी है, एक बतासे की दुकान दिख गई। भीम चलो, आप जय भीम, चलो खिलाओ बतासा, खिलाओ देख मानसो भाई। इनका ये नया स्टार्टअप है भाई, आराम आराम से बता से खिला रहे हैं। ये सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, इसमें कभी घाटा नहीं होता है। शरमाइए मत, बिजनेस शुरू करिए, है हिमांशु भाई, छोटा हो चाहे बड़ा, मिस्टर बतासे वाले बन जाइए, जैसे MBA चाय वाला है। ये पड़ोस में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसी के साइड बाई साइड हम चल रहे हैं सर्विस रोड पे, कई साल पुराना है और बस पहुँचने वाले हैं। 10 साल पुराना है या कोई 2-3 साल पुराना? 9.5 किलोमीटर बचा है। नहीं, वो बहुत चुके हैं KVK प्रशासनिक एवं कृषक परीक्षण भवन, और ये है उन्नाव का KVK गंधौरा में। चलिए खड़ी करते हैं, चलो चुके हैं, दिखाते हैं आपको। ये हम KVK का टूर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए करौंदा कितना अच्छा लगा हुआ है, इसका अचार बनता है, बहुत अच्छा लगता है, खट्टे होते हैं खाने में। तो अभी भाई यहाँ पे एक अमरूद हमें बहुत अच्छा दिख गया है, उस अमरूद को खाने के लिए हम लाल वाला है, खाओ देख पीटा तो नहीं है, बहुत मीठा। ये हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे पॉली हाउस तरीके के बनाए गए, इसमें अलग अलग तरीके की खेती की जाती है, टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ये कौन सा आम है, बड़े लेट से आ रहा है। यहाँ पे देखिए सीजन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जामुन लगे हुए हैं। और तो अभी जो है उन्नाव KVK में हम लोग थे, घूम रहे थे, थोड़ा बहुत जामुन वगैरह तोड़ के खाए, अमरूद ये देखिए
हिमांशु भाई तोड़ रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी, नवग्रह वाटिका, जो यहाँ के भाई साहब हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है। कहते हैं कि हर ग्रह के लिए एक जो है पेड़ पौधा डेडिकेटेड होता है, तो दिखाते हैं कौन से ग्रह के लिए कौन सा पौधा डेडिकेटेड है आपको। ये कुछ है, कुछ ये, और ये जो है केतु ग्रह के लिए है, राहु के लिए दूब, ये दूब घास, और शमी का पौधा ये शनि के लिए होता है, और ये मंगल ग्रह के लिए खैर का पौधा है, मदार सूर्य ग्रह के लिए होता है, ये देखिए मदार का है, पीपल बृहस्पति के लिए होता है, बुध के लिए ये लड़ीला होता है, और चंद्र ग्रह के लिए ये जो है पौधा है पलाश का, इसे झूला भी कुछ लोग बोलते हैं, गुलर का पौधा होता है शुक्र के लिए। तो ऐसे ही सभी ग्रहों के लिए जो अलग अलग पौधे और घास पेड़ सब हैं। तो अभी जो है हम लोग वापस चल रहे हैं, पंडरी हलवा हम लोग वापस चल रहे हैं लखनऊ की तरफ, और लखनऊ में भी एक कार्यक्रम है, तो आज हम लोगों का पूरा संडे अलग अलग चीज़ों में ही एक्यूपाइड है। और अभी हम लोग जा रहे थे लखनऊ, तो अभी हमें रास्ते में जो है एक प्लांट दिखा है, ये देखिए दिखाते हैं, ये लगा है, इसमें इतना हल्का स्ट्रक्चर लगा है, पैनल तो लुमिनस के लगे हैं, अब इसमें स्ट्रक्चर जिसने लगा इतना हल्का लगा दिया है, देखिए लोहे के एंगल पे लगा है, वो जंग लग के ऐसा जो है टेढ़ा होके वहाँ से पैनल को भी डैमेज कर दिया है मेरे ख्याल से, और ये काम भी सही से नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से कहते हैं लोहे का स्ट्रक्चर सोलर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार लग जाता है, आदमी ऊपर जाके देख रेख उतना कर नहीं पाता है, वो जंग पकड़ के वहाँ से ख़राब होके टूट जाता है, इसलिए GI लगाइए या हॉट डिप पे जाइए। आज वो हम लोगों ने देख भी लिया, जिसके लिए हम लोग इंसिस्ट करते रहते हैं सबको कि भाई लोहे के स्ट्रक्चर पे पैनल मत लगाइए। बिल्कुल, पहले हमारे घर का जो है प्लांट लगा था लोहे पे, उसको मैंने सब हटा के प्रॉपर GI पे कर दिया है, और GI पे भी लगाइए तो वेल्डिंग करके मत लगाइए, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे तो वहां से फिर वो लोहे की तरह ही हो जाता है, क्योंकि GI होता तो लोहे है, उस पे निकिल चढ़ी होती है, वो जब हट जाएगी तो लोहे की तरह हो जाएगा, फिर वहां से जब वेल्डिंग होगी तो वो जो जल जाएगी परत जल जाएगी। तो चलिए सुदीप भाई, कुछ कहना है आपका? भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कुलदीप भाई ने सीधे पॉइंट की बात कह दी, बाकी फिलहाल चलिए चलते हैं। लेकिन घर अच्छा बना है, मुझे लगता है इनको किसी ने चेप दिया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से घर बना है ये, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा ये पैसे के लिए कर रहे होंगे कुछ। जी भाई साहब, आ चुके हैं हम अम्बेडकर पार्क के पास, ये देखिए पीछे अम्बेडकर पार्क है, और यहीं पे नीचे मरीन ड्राइव है जहाँ पे पानी भरा था और लोगों ने बदतमीजियाँ की। देखिए यहाँ पे पानी भरा था, यहीं पे जो है वो सब हुआ है, पानी तो चला गया लेकिन लोग भी जेल चले गए सिर्फ पानी उछालने के चक्कर में, नहीं बहुत ज़्यादा हद हो गई थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ, और यहाँ पे ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, एक हिंदू संगठन से रिलेटेड कार्यक्रम है। हम सब मिलजुल करके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आजकल जो अपने धर्म पे प्रहार हो रहा है, लोग अपने धर्म को बचाने के लिए सजग हुए थे, सब लोग एकत्रित हुए थे यहाँ पे, और इस पर सब लोग विशेष कर ध्यान दीजिए, ठीक है? बाकी सब लोग अपना काम धाम करिए, मौज करिए, और सोलर लगवाना है तो हमसे संपर्क करिए। जामुन लाए, हमने लगा पेड़ लाए, बिट्टू सो रही हमारी है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आज है 15 अगस्त, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ये जो है स्वतंत्रता दिवस है, जो है कोशिश करिए कि आप लोग अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखिए, आजकल कहीं ना कहीं हम लोग फिर से थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, एक तरीके से नौकरी कर रहे हो तो भी एक तरीके की गुलामी है बहुत सारी चीज़ें, और आजकल बहुत सारे बंधन हो गए हैं, तो कोशिश करिए ऐसे रास्ते निकालिए कि आप बंधनों से फ्री रहें, कि जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो मैं जब चाहूँ तब छुट्टी ले सकता हूँ, काम के साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ, थोड़ी बहुत मेरा खेती में इंटरेस्ट है वो भी करता हूँ, बाकी अपने घर परिवार को भी थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ, तो ये सब बैलेंस मैं क्यों बना पा रहा हूँ,
क्योंकि मैं अपना खुद का काम करता हूँ, तो कह सकते हो कि मैं एक कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्वतंत्र हूँ, बाकी मैं भी चीज़ों में फंसा हूँ, ऐसा नहीं कि 100%। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रहे, ताकि आपका दिमाग का अच्छा विकास हो, आप अपने परिवार और अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब विकसित कर पाएँ। ठीक है।